और हम बात करेंगे एंड में पाकिस्तान के अभी भी सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के ग्रुप का क्या सिनेरियो बन रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना सकता है, इस सवाल से बात करेंगे। उससे पहले आप क्रिकेट से क्रिकेट तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर। तो साउथ भाई क्या कहते हैं, जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में फिक्स फिक्स, इस हवाले से क्या कहोगे? ये जो टॉप ट्रेंड चल रहा है यार, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। देखो ये कोई भी टीम ना जानबूझ के इतने बड़े इवेंट में नहीं हारती। देखो इंडिया के भी आगे रास्ते मुश्किल है, उनको पता थी ये बात। वो पहले से सेमीफाइनल में नहीं गए हुए, वो पहले से भी गए हुए होगा ना, कोई भी नॉकआउट मैच में जाने के लिए नहीं हारेगा अपना। देखो नहीं खराब करता विन स्ट्राइक कोई भी हो। देखें समझना पड़ेगा कि गली की क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट चल रही है। वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर विराट कोहली उस टीम में हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। अरे हो गई हो गई। हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी क्वालिटीज है, जो उनमें सलाहियतें हैं, वो उस पे नहीं खेले। बस हम इस पे कह सकते हैं, हमने जैसे पिछली वीडियो में की बात होती है, देखो क्रिकेट में जैसे पिछले मैच में हमने पिछली वीडियो में हमने खुल के कहा कि भाई कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच कहां से जीतोगे। बस हमने तेज लाउड आवाज में इसलिए बोला क्योंकि हमारी उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस हमारी इंडिया से जुड़ी हुई थी। हमारा सेमीफाइनल का रास्ता इंडिया के मैच से जुड़ा हुआ था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चलाए कि विराट कोहली नहीं। यार गलत है, बहुत गलत है। रोहित शर्मा ने जानबूझ के आउट हुआ भाई, फील्डिंग में अपना हंड कप्तानी में फील्ड में पूरी इंडिया की टीम ने जो इंडिविजुअल रन छूटे कैच छूटा वो पूरी टीम से छूटा, पर नजर आ रहा था कि भाई वो जान मार रहे पूरी एफर्ट्स दे रहे हैं अपनी। अश्विन को जब छक्का पड़ा, अश्विन नजर आ रहा था, जाहिरी तौर पे नजर आ रहा था कि वो बहुत अंडर प्रेशर है। बॉलिंग की उसने अगली तीन बोले बचा ली, 3 पे 13 दी शुरू में, फिर अगली 3 बोले डॉट करके बचा ली, वो चला गया, विकेट भी ले ली उसमें। अगर भाई आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बता देती है, ठीक है, अब अश्विन फुल अंडर प्रेशर, अगर वो हारने के लिए खेल रहे हो भाई, हंसी खुशी वो मैच दे देते। अगर रोहित शर्मा की बात करूं, जब जब रन आउट मिस हुए, कोहली से कैच मिस हुआ, बाउंड्री लगी, कैमरामैन रोहित शर्मा के ऊपर फोकस कर रहा था, रोहित शर्मा का नजर आ रहा था कि रोहित शर्मा का वही रिएक्शन था जो हर मैच में होता है। देखो हर मैच में जो उनका होता है भाई, सही है। मानना कि गैर जरूरी हो रहा है जो भी लोग ये ऐसे ट्रेंड चलाते हैं। पहली बात, अव्वल बात, चले मान लेते हैं, एक बात मान लेते हैं बिलफर्ज फर्जी बात, इंडिया जानबूझकर भी हारा है तो अपने लिए हारा है ना, अपना ही नुकसान किया, फायदा उसके नुकसान। आप अपने लिए खेलो ना, जब आप दूसरों पे भरोसा रखोगे, दूसरों पे अपनी कहानी छोड़ोगे। पिछले पहले हम खुश हो रहे थे 2 दिन पहले कि भाई पाकिस्तान की किस्मत पाकिस्तान के हाथ में आ गई, बिल्कुल है। पर आप एक ऐसी टीम से हार रहे हो जिसको कोई वर्ल्ड कप में रेट नहीं कर रहा, फिर आप बोल लोगे इंडिया आपके लिए खेले। भाई ऐसा नहीं होता, आप ग्लोबल टूर्नामेंट खेलने आए हो, आपको अपनी सलाहियतों पे खेलना होता है, और जो टीम अच्छा खेलती है वही आगे जाती है और वही आगे जाना डिजर्व करती है। हमें हार को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम इस हद तक आज इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, हमने बोला कि इतना सपोर्ट करेंगे हम इंडिया की शर्ट ही पहन लेंगे। बस हार जीत होती है गेम का, खुले दिल से एक्सेप्ट करो। अगर हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं फिर हमें बात करनी चाहिए कि हमारी टीम में क्या चेंजिंग होगी, क्या होने जा रहा है। इस हवाले से बात करो, तनकीद बराए इसलाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। सेमीफाइनल के लिए क्या कहोगे पाकिस्तान की टीम के बारे में? अभी भी देखो चांस है सेमीफाइनल में जाने के लिए, पाकिस्तान का कोई इतना वो भी नहीं है। इंडिया के लिए भी मुश्किलात हो सकती है, बारिश भी है। देखो बारिश टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब कर रही है और मज़ेदार भी बना रही है, ऐसी बात नहीं है। जो टीमों की उम्मीद नहीं थी, जो 2 मैच में बाहर हो गई थी, उनकी अभी तक उम्मीद बनी हुई है इस बारिश की वजह से। और जो आज के मैचेस हुए, अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ देखो ऑफिशियली, लेकिन हाँ कहीं हद तक आप ये कह सकते हो कि बाहर हो गया है। अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है बाहर है, या साउथ अफ्रीका अपना एक मैच भी जीत गया तो साउथ अफ्रीका तो अंदर है। देखो साउथ अफ्रीका तो जा रहा है सेमीफाइनल, उनका रन रेट भी बहुत अच्छा है, रन रेट भी अच्छा है उनका, और उनके अगले मैच एक टफ मैच उनका पाकिस्तान से बस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात को समझना। चले आप जैसे कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने जानबूझ के मैच हारा है, ठीक है, इंडिया देख रहा है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को अपसेट किया है, इंडिया को भी कर सकता है, कर सकता है, खेलना है। क्या पता अगले दिन जब जिम्बाब्वे का मैच हो, उनके किसी प्लेयर का आउटस्टैंडिंग डे हो, वो इंडिया की बैटिंग लाइनों को तबाह बर्बाद करके रख दे, मैच वन साइड हो जाए। वरना नजर तो ये आ रहा है कि इंडिया जीतेगा। अपसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो जिसकी उम्मीद ना कर रहे वो हो जाए, ठीक है।
बांग्लादेश, चलो पहला मैच बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने 2016 के वर्ल्ड कप में, वो तो धोनी की कप्तानी और धोनी की गेम के गेम की वजह से जीत गया, जो हारे हुए मैच जीतना जानते हैं। इंडिया हार जाता, ठीक है, इंडिया को बहुत टफ टाइम दिए हैं, बहुत टफ टाइम दिया, एक बार नहीं बहुत बार दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश से भी अपसेट हो सकता है। अब बताते चलूं, पहले 2 नवंबर को बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच है, फिर 3 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई अगर हम आगे पूछते हैं तो अफ्रीका को हराना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। अभी तो ये तो आप तो ये भूल लो कि आप इंडिया ने फिक्स कर लिया, यूँ कर लिया यार, आपने साउथ अफ्रीका से जीतना है, जो आपके लिए अभी बहुत मुश्किल है इस बैटिंग के साथ, देखो बहुत मुश्किल है। एक तरफ हम उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया को अपसेट कर दे। आप तो ऐसे बैठे हो, आप अपने तीनों मैच जीत के साइड में बैठे हो भाई, अब हमें यूं हाथ बांध के मैच देखने हैं इंडिया के बांग्लादेश के, आपने भी तो हराने हैं अपने 2 मैच, जब ही तो आप आगे जाओगे। अभी मुझे जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल की सिनेरियो जो बन रहा है ना, वो सिनेरियो बन रहा है 2 नवंबर को इंडिया बांग्लादेश का मैच है। अब आप अफ्रीका को छोड़ दें, अफ्रीका देखो अभी मैं अफ्रीका का, अब 2 मैच है और अफ्रीका के है 5 पॉइंट, ठीक है, एक मैच पाकिस्तान से और एक मैच नीदरलैंड से। चलो आप हमारे और आपकी उम्मीद से ये कहते हैं पाकिस्तान जीत जाता है, अफ्रीका ने खेले 4 मैच, उसके है 5 पॉइंट, पाकिस्तान जीतता है तो उसके होते हैं 4 पॉइंट, ठीक है। अब आती है नीदरलैंड से, उसका अफ्रीका का मैच है, क्या आपको नीदरलैंड की बैटिंग लगती है कि अफ्रीकन बॉलिंग के आगे टिक के बैठेगी, बॉलिंग लगती है जो उनको आउट करेगी अफ्रीका को? तो देखो अफ्रीका आपका पक्का पक्का चले गया है, ठीक है, 7 पॉइंट के साथ अफ्रीका आपका जा रहा है, और हो सकता है 9 पॉइंट के साथ भी चले जाए, कोई वो बात नहीं है। अब हमारी कहानी यहाँ फंसेगी, इंडिया और पाकिस्तान की कहानी फंस रही है ना, अगर इंडिया एक मैच भी हार जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो या जिम्बाब्वे हो, किसी एक से भी हार जाता है, तो आपको आप जब भी नहीं जाओगे रंग रेट पे, आपने दोनों मैच अच्छे रंग रेट से जीतने होंगे, इंडिया से बेहतर अपना रंग रेट करना होगा। अभी थोड़ा 19-20 है इंडिया और पाकिस्तान का रंग रेट, लेकिन इंडिया का अभी अच्छा है, लेकिन इंडिया जाहिर सी बात है बांग्लादेश से अगर जीतेगा तो वो अच्छे रंग रेट से जीतेगा, जिस टीम से भी जीतेगा देखो अच्छे रन रेट से जीतेगा, और अपसेट भी होता है ना तो वन साइड अपसेट नहीं होगा, रंग रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को आज बहुत अच्छा मौका था कि 10 ओवर में मैच पूरा करता और अपनी जो है रंग रेट बहुत बेहतर करता, यही हम समझाना चाह रहे थे। हम जाने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे प्लेयर सेल्फिश बैटिंग कर रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं। आज हमें चांस मिला कि हम 10 ओवर में 9 ओवर में मैच को खत्म कर दें, आज भी हम 14 ओवर तक के मैच को ले गए, और हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं कि हमें सेमीफाइनल में जाना है। बात पता है क्या है, आप और हमें और ये पाकिस्तान की आवाम क्रिकेट से, पाकिस्तान की टीम से बहुत प्यार करती है, हम तो लगाएंगे, हम अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे। आप अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए इंडिया की शर्ट लाए, इंडिया को सपोर्ट किया ना, अपने मुल्क से आपको कितना प्यार है, ठीक है, इंडिया भी हमारा ही मुल्क है, देखो एक तरीके से देखा है बराबर में ही है, ये तो बस कुछ है बड़ों की क्या बोले, लेकिन एक बात है क्रिकेट में भाई भाई है, देखो इंडियन फैंस पाकिस्तान फैंस आज एक साथ पर्थ में बैठे थे स्टेडियम में, नो डाउट प्लेयरों में भी मोहब्बत है और आवाम में भी बहुत मोहब्बत है, तो ये बात नहीं है। देखो इंडिया का मैच ये फिक्स नहीं था, ये बात आपको और हमें समझना पड़ेगी, मोहब्बत करो पाकिस्तान की टीम में, लेकिन उस मोहब्बत में भेक नहीं जाओ, बस ये मैं कहूँगा आपको। सिनेरियो जो बन रहा है ना पाकिस्तान के, जो अच्छी बात है पाकिस्तान प्लस में है, अब जिम्बाब्वे माइनस में, बांग्लादेश माइनस में, ये दोनों टीमें माइनस में चल रही हैं, तो अगर बांग्लादेश जीतता है, हो सकता है भाई बांग्लादेश भी चले जाए दोनों मैच जीत के, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर बांग्लादेश इंडिया को हराता है, बिलफर्ज हम फर्ज कर लेते हैं बांग्लादेश इंडिया को हराता है, ठीक है, बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया को वन साइड मार देगा, हो सकता है जिम्बाब्वे भी चले जाए, दोनों मैच माइनस में रहेगा, तो ठीक है बांग्लादेश माइनस में रहेगा। अब माइनस में रहेगा तो इसका मतलब क्या है, बांग्लादेश पहुंच गया 6 पे, पाकिस्तान अभी अफ्रीका के साथ खेला नहीं है, पाकिस्तान के हैं 2 पॉइंट, पाकिस्तान के हो गए 3 मैच, 3 नवंबर को खेलता पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका को हरा देता पाकिस्तान, पाकिस्तान अफ्रीका को हराता है तो हम ये करते हैं भाई पाकिस्तान जीतता, 4 पॉइंट होते हैं और प्लस में रन प्लस में आ जाता है, और फिर हम हराते हैं बांग्लादेश को, प्लस में ही रहते हैं हम, ऐसे करके पाकिस्तान का जब 6-6 पॉइंट पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का ट्वाइट होगा ना, और इंडिया का भी 6 पॉइंट पर होगा, हमें जो मुकाबला करना पड़ेगा इंडिया से रन रेट में मुकाबला करना बात है, देखेंगे इंशाल्लाह, अभी तो मैच एंड हुआ है, सिनेरियोस बनेंगे उस पर नजर रखेंगे। इस वर्ल्ड कप में दोनों ग्रुप में आप अभी कुछ कह ही नहीं सकते कौन जा रहा है कौन नहीं, ये कह सकते हो अफ्रीका पक्का चले गया, बस चले नजर रखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कि क्या सिनेरियोस बन रहे हैं।
इजाज़त चाहेंगे हम आपसे, क्रिकेट से क्रिकेट तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।